हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस कुरकुरी सी रसीली जलेबी, बिल्कुल हलवाइयों की जैसी। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हलवाई लोग कैसे इतनी कुरकुरी सी जलेबी सिंपल मैदे से बनाते हैं, और साथ में वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे आप भी बिल्कुल हलवाइयों की जैसी इतनी स्वादिष्ट जलेबी बना सके आसान तरीके से। फिर चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगी कि हलवाई लोग सिंपल मैदे से ही कैसे इतनी टेस्टी जलेबी बना लेते हैं। ये है खमीर। तो ये मैंने एक कप मैदा और एक कप पानी दोनों को मिक्स करके अच्छे से 10-12 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, तो इसको खमीर बोलते हैं। हलवाई लोग भी इसे पहले से ही बना कर रखते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे एक कप मैदा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स ना आए, और इसे अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ होने तक हमें इसे मिक्स करना है। देखिए, इस तरह का होना चाहिए, ना ही ये बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए, ना ही ये बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। बैटर को हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं, और तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी, और इसमें डालेंगे 2 कप पानी। गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और चीनी को अच्छे से घुलने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, चीनी में उबाल आ गया है। ये बिल्कुल क्लियर चाशनी है ये। अगर आपको लगता है इसमें थोड़ी इम्प्योरिटी है, इसमें 1 या 2 चम्मच दूध डाल के बाद कलछी से ऊपर से जो डर्ट है उसे हटा सकते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल क्लीन चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं इलायची पाउडर, 1 पिंच रेड फूड कलर। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ये नहीं पसंद आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम पका लेते हैं 4 मिनट के लिए। ग्रेवी के लिए हमें आधे तार वाली अच्छी चिपचिपी चाशनी चाहिए। ये इस तरह की चाशनी होनी चाहिए कि मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। जो लास्ट ड्रॉप है ये देखिए काफी देर से गिर रहा है, यानी कि चाशनी हमारी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लेमन जूस। इसे डालने से हमारी चाशनी जमेगी नहीं। अगर आप तुरंत जलेबी बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये मैंने जलेबी के लिए इस तरह का पाइपिंग बैग लिया है। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह कोई भी प्लास्टिक की मोटी थैली ले सकते हैं, जैसे दूध की या चीनी की, या फिर आप सॉस की बॉटल भी ले सकते हैं। तो इस पाइपिंग बैग को हम ग्लास में इस तरह से लगा देते हैं, और उसके बाद इसमें हम बैटर डालेंगे। देखिए, इस तरह से करने के बाद इसमें हम जलेबी के बैटर को डाल देते हैं। बैटर को कोन में डालने के बाद इसमें हम नीचे से छोटा सा कट लगाएंगे। जैसी जलेबी आपको पसंद हो, मोटी या पतली के अकॉर्डिंग इसमें कट लगाएं। तो ये देखिए, जलेबी फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें जलेबी के लिए ऑयल अच्छा गर्म चाहिए, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो फिर अब हम जलेबियाँ बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से कोन को दबाना है और फटाफट से जलेबी बनाते जाएंगे। एक बारी में जितनी आ जाएं हम उतनी जलेबियाँ बना लेते हैं। जलेबियाँ हमने रिफाइंड ऑयल में बनाई हैं, आप चाहे तो इन्हें घी में भी बना सकते हैं। इन्हें हम पहले हल्का सा सिकने देंगे। जब ये नीचे से हल्की सिक जाएंगी तो उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। तो अब इसे हम पलट देते हैं। इस तरह से इसे पलट पलट कर इसे फ्राई कर लेते हैं। जब ये हल्की सी गोल्डन हो जाएंगी, अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगी, तब इन्हें हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए, जैसे ही हम निकाले इसे डायरेक्ट हमें चाशनी में डालना है, क्योंकि तभी ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर हम इसे निकाल के कहीं रख देंगे फिर थोड़ी देर बाद डालेंगे तो ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो ये देखिए, जलेबियों ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार करनी है। सेकेंड बैच की जलेबियाँ भी हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें फटाफट से डिज़ाइन बनाते जाना है। तो ये देखिए, इनका कलर पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। थोड़ी देर इन्हें चाशनी में रखेंगे, इस तरह से एक एक निकालते जाएंगे और फटाफट से डिप कर देंगे जिससे ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। फिर उसके बाद इसे हम निकाल कर रख लेते हैं। एक बैच की जलेबियों को फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए, टोटल में हमारी 2 कप मैदे से इतनी जलेबियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो अब इन्हें हम सर्व करेंगे।
तो ये हमारी बहुत ही डिलीशियस कुरकुरी सी हलवाइयों के जैसी जलेबी बनकर तैयार है। और आपने देखा कि सिंपल मैदे से बिल्कुल हलवाइयों के जैसी जलेबी बनकर तैयार हुई है। आपने देखा ना कि कितनी आसान रेसिपी है। लेकिन जलेबी बनाते समय कुछ चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना है। पहला ये कि बैटर हमारा ना तो बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए ना बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। दूसरा, जलेबी के लिए चाशनी हमारी अच्छी चिपचिपी होनी चाहिए, आधे तार वाली। और तीसरा, जलेबी फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब वो अच्छी कुरकुरी हो जाएंगी तो उन्हें निकाल कर डायरेक्ट हमें चाशनी में डाल देना है 2-3 मिनट के लिए, तो फिर हमारी जलेबी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और साथ में मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।